दोस्तों हिंद महासागर में चाइनीज सबमरीन भारत के लिए हमेशा से एक सरदर्द बने हुए हैं, लेकिन भारत के पास इसके इलाज में इतने सबमरीन ही नहीं है जो इन चाइनीज सबमरीन को टक्कर दे सके। और यही वजह है कि भारत ने 2009 में अमेरिका से पीएटआई एयरक्राफ्ट 2.1 बिलियन डॉलर में लिया है। देखते ही देखते आज के दिन भारत के पास 12 की संख्या में पीएटआई एयरक्राफ्ट मौजूद है। आप जानते ही होंगे पीएटआई एयरक्राफ्ट जो सबमरीन हंटर के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन वहीं इंडियन नेवी के पास इतने एडवांस एंटी सबमरीन वेपन नहीं थे जिससे चाइनीज सबमरीन को इंडियन ओशन से खदेड़ा जा सके। इस चीज के चलते ही इंडियन गवर्नमेंट ने फिर एक बार अमेरिका से एक बड़ा डील की है। इस डील के तहत पीएटआई एयरक्राफ्ट के लिए पहले तो MK-54 टॉर्पीडो और चाफर फ्लेयर्स जो इनकमिंग मिसाइल को भटकाने का काम करते हैं, ये सब इक्विपमेंट को प्रोक्योर करा जाएगा, जिसका टोटल बजट 423 करोड़ रुपीस रखा गया है। दोस्तों MK-54 टॉर्पीडो जिसे 25,000 बार सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। MK-54 टॉर्पीडो 275 kg वजनी होने के साथ साथ 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में सबमरीन को हिट करने में सक्षम है। यूं कह ले ये किसी सबमरीन के लिए मौत का सामान है।